Hello student, हम पढ़े थे chapter number 1 electric charges and field, okay? और आज की जो इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं application of Gauss's theorem, ठीक है? तो चलिए जो हम बात करते हैं application of Gauss's theorem हम क्यों पढ़ रहे हैं, या उससे पहले जो हम remind कर ले यहाँ पर Gauss's theorem, ठीक है ना? हमने Gauss's theorem पढ़ा है तो यहाँ पर या Gauss's law भी हम जिसे कहते हैं, तो Gauss's law जो क्यों यूज होता है, जैसे कोई चार्ज हो जो, जैसे एग्जांपल के लिए कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, तो ये चार्ज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, या सीधे कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर हम एक क्लोज सरफेस मान ले, तो इस क्लोज सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब गॉसियस थ्योरम उनको क्या बताती है, जो क्लोज्ड सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, मतलब अगर कोई क्लोज सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज कर रहा हो, चार्ज को घेर रहा हो जो, तो वहां पर उस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी जो, वो होगी कितनी, उस सरफेस के अंदर होने वाले चार्ज के 1/ε0 टाइम्स, है ना। ये हमने गॉसियस थ्योरम में पढ़ा है ना। फिर से एक बार समझ ले कि गॉसियस थ्योरम उनको किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताती है, अगर उसके चार्ज उसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो उस सरफेस के अंदर होने वाले चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है ना, ये हमने देखा है। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, ठीक है। तो हम अब इसके बाद जो गॉसियस थ्योरम को अप्लाई करते हुए क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज या चार्ज कंडक्टर्स, है ना। मतलब उसकी जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, गॉसियस थ्योरम के जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, वो किसके लिए देखेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज और ठीक है, चार्ज कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना। मतलब चार्ज कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो या पॉइंट चार्ज हो, उसके थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब हम गॉसियस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करते हैं, ठीक है ना, कि हम गॉसियस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसकी जो स्टेप ध्यान में रखना, मतलब हम 7 या 8 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, और डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट कंडक्टर्स के थ्रू हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते चलेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है ना, सभी में कॉमन प्रोसीजर रहेगी, आप वो प्रोसीजर समझ लो, दिमाग में बैठा लो, सब एप्लीकेशंस में हमको यही करना है, है ना। तो जैसे भी जो हम यहाँ पर ठीक है क्या फाइंड करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, या तो किसके थ्रू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, मतलब एक पॉइंट चार्ज के थ्रू, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मीनिंग हमारा क्या है यहाँ पर, कि चार्ज किसी कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, उसकी लेंथ पर हो, या चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरह से, है ना। तो या फिर एक पॉइंट चार्ज हो, इनके थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, एक स्फेयर हो या जैसे भी हो, सिलैंड्रिकल कंडक्टर हो, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब उसकी प्रोसीजर समझना, तो किसी भी तरह का हमारे पास कंडक्टर हो, पॉइंट चार्ज हो, है ना, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, या लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है ना। मतलब तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हमारी प्रोसीजर अब क्या रहेगी, उसको दिमाग में बिठा लो, बाकी सारी एप्लीकेशन में आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो जैसे मान लो हमारे पास जो एक पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी तरह पॉइंट चार्ज मान लो, या है ना कंडक्टर जो भी हो, ठीक है। तो इसके आगे इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, ठीक है, मान लो पॉइंट पी पर, तो हमें यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो हमें पता है जो गॉस लॉ किस पर अप्लाई होती है, केवल क्लोज सरफेस पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना, क्या करेंगे, मतलब सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, ये ड्रॉ, ठीक है ना, क्लोज सरफेस, ओके। अब ये क्लोज सरफेस जो हम हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमने देख चुके गॉस थ्योरम में, कि जो हम ये क्लोज सरफेस लेते हैं,
है ना, इस क्लोज सरफेस को जो हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। मतलब सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और ये सरफेस ऐसे ड्रॉ करना है कि वो उस चार्ज को क्या करता हो, एनक्लोज कर लेता हो, घेर लेता हो, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेता हो, चाहे वो कंडक्टर हो या ठीक है ना लेंथ हो, शीट हो, किसी भी तरह का हो या पॉइंट चार्ज हो। तो हमें यहाँ पर ऐसा सरफेस लेना है इसके चारों ओर कि वो उसको घेर ले, जो हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अब ध्यान रहे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमने नियम देखे हैं, हम इस तरह का सरफेस ड्रॉ करेंगे कि जिस पर इंटेंसिटी हमेशा कैसी बनी रहे, कॉन्स्टेंट, या एरिया वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच का एंगल या तो जो क्या हो, जीरो हो, या तो फिर मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या परपेंडिकुलर हो, इस तरह का हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना। ये भी जो ध्यान रखें, ये सरफेस ड्रॉ करने से रिलेटेड, हम कैसी भी शेप का सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारी टेंडेंसी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अगर ऐसा सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं तो हम ऐसा सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में उठाओ क्या करना है हमको, लो सरफेस ड्रॉ करना है, या जिसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ओके, और जनरली भी जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में जितने एप्लीकेशन है उसमें दो तरह की सरफेस आएंगे, या तो स्फेरिकल सरफेस आएंगे, है ना, या सिलेंड्रिकल सरफेस आएंगे, बस, है ना। हम जो सरफेस अभी पढ़ने, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें हम दो तरह के सरफेस का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। एक नियम हमें पता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम स्फेयर और ये सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ओके, ये पहली स्टेप। फिर उसके बाद, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले से, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, ठीक है ना, गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मतलब फिर हमको यहां पर क्या निकालना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, इस पर ध्यान में बिठाओगे, फिर ये दिमाग में बैठ गई तो आपको सब में एक जैसे प्रोसीजर लगानी है। सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना, उसका जो फॉर्मूला है ये वाला होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है, ऐसा। अब हमने क्या कहा, हमने सरफेस ऐसा हम लेंगे कि जिसपे इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो जैसे ई कांस्टेंट आ गया हमारा, समझते जाना, ई कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा। ओके, अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, अभी पिक्चर अपली बता रहा हूं मैं, ये दिमाग में बैठा लो, बाकी सब सीख जाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, अब इसके बाद जो इंटेंसिटी को हमको निकालना है, तो इसको ई ही रहने देंगे, ये तो हमें फाइंड करना है। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल डीएस है, ये क्या बताता है हमें, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया रखना है हमको, है ना, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो यहां पर देखो किसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी, गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया को, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। क्लियर, क्या करना है सबसे पहले जो है ना, हमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक किसी भी तरह के पॉइंट चार्ज हो, कंडक्टर हो, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम सबसे पहले, पहली हमारी स्टेप रहेगी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाकर, है ना, एक गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ई हमने ऐसा ही लिया है कि ई कांस्टेंट आएगा, उसको कांस्टेंट बाहर रख देंगे, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू रख देंगे, सरफेस इंटीग्रल डीएस। मतलब अगर हमने यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस लिया हो तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, उसका एरिया रख देंगे 4πr², है ना। या अगर हमने सिलेंड्रिकल लिया हो तो फिर इसका सरफेस रख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या, किसकी वैल्यू रखनी है, जो एरिया की, टोटल एरिया की, है ना। अभी मैं ये लिख दे रहा हूं, ओके, ये आ गई पहली स्टेप। अब अकॉर्डिंग टू द गॉसियस थ्योरम, समझना, इस गॉसियस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, अब क्या लगाओगे आप, बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, ये स्टेप जो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लिखते, लेकिन ध्यान में बिठा लो, है ना, बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल की वैल्यू रखनी है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 और चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, ये जो गॉसियन
थ्योरम है। तो जैसे फाइव रख दिया यहाँ 1/ε0, अब ये जो चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे क्यू चार्ज रखा है तो क्यू रख देंगे, या फिर अगर कोई सरफेस एरिया होगा तो उसमें कितना चार्ज आएगा वो हम आगे सीखते चलेंगे। अभी देखो यहाँ सिर्फ क्या ध्यान में रखो, किसकी वैल्यू रख देंगे, चार्ज की वैल्यू रखना है, जो भी आए हमारे कंडीशन लेने के अकॉर्डिंग, मतलब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला और उस वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा, चार्ज इन साइड द सरफेस इंटू 1/ε0। ओके, अब इसके बाद देखो यहां तक पहुंच गए, फिर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करो, दोनों ही किसकी वैल्यू बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इस फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू जो भी एरिया आया होगा, है ना, मैंने एरिया लिखा है ना, जो एरिया आया होगा 1/ε0 इंटू क्यू, दोनों इक्वल होंगी ना। अब E का हमको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, तो E की वैल्यू निकालनी है 1/ε0, बाकी को ट्रांसपोज कर दो जो एरिया आएगा, और जो कैंसल वैंसल होगा उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, मेथड है ना, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि आप सोचोगे यार ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे समझ में आए प्रोसीजर क्या करना है, कि हमें जिस भी कंडक्टर के थ्रू या पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके चारों तरफ सबसे पहले तो हमको क्या ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। ओके, फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का नियम बता दिया है ना, फिर उसके बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे गॉसियन सरफेस, किसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू, फिर इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ जो गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा वो रखना है, उसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू रखोगे 1/ε0 चार्ज इन साइड द सरफेस, तो वहां चार्ज की जो वैल्यू होगी वो रखना है, हमने अभी क्यू से दिखाया है। ओके, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों को इक्वल लिख सकते हो, बस इक्वल करना है, कंपेयर करना है और किसकी वैल्यू बना लेनी है, ई की, है ना। तो हर जितनी भी जो हम यहाँ से एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आगे, ओके, है ना, जैसे हम आगे कंडक्टर के थ्रू सरफेस, है ना, एक शीट के थ्रू, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चलेंगे, तो उसमें सब में हमको यही करना है। आया ना दिमाग में बात, क्या प्रोसीजर करना है, सरफेस ड्रॉ करना है, फॉर्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वहां पर ई कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकालना है, एरिया की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन 1 देना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करना है, वहां पर चार्ज की वैल्यू पुट कर दोगे और फिर दोनों को कंपेयर करके ई की वैल्यू निकाल लोगे। ये आ गया मानो, ये प्रोसीजर समझाई मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पर, है ना, अब फर्स्ट हम एप्लीकेशन उसकी देखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, तो यहाँ पर कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। मतलब कोई पॉइंट चार्ज क्यू है जो किसी पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, ये हमको, है ना, अब क्या करना है, हम जो इंटेंसिटी फाइंड करना, वैसे हम पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी पहले निकाल चुके हैं लेकिन हमने वहां मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाला था, ये पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाली थी हमने, है ना, इस फॉर्मूले से निकाली थी, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज पर, ऐसा। तो यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना क्या आया था, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था मुझे, और अभी हम गॉसियन थ्योरम से भी ये फॉर्मूला निकालेंगे, पॉइंट चार्ज के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वही अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाकर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो कंडीशन मानी है मित्रों कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है, इससे आर डिस्टेंस पर, पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, है ना। अब यहाँ पर मित्रों क्या बताया मैंने, कि हमें जब जिस किसी कंडक्टर से या किसी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम वहां पर उसके चारों तरफ एक एरिया कंसीडर करेंगे जो उसको कवर कर लेता हो, तो हम उस एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। तो हमने क्या मान लिया प्रयोग, फॉर विच, मतलब हमने यहाँ पर एक स्फेयर बना लिया, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फॉर विच
वी कंस्ट्रक्ट एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। ओके, समझ में आपको यहां पर क्या करना है हमको कि पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम पहली स्टेप अभी बताए यहाँ पर कि हमको उससे एनक्लोज करता हुआ एक सरफेस ड्रॉ करना है। तो हमारे लिए कन्वीनियंस कैसा सरफेस ही ड्रॉ करना है, स्फेरिकल सरफेस। तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर विच, जिसके लिए हम एक आर रेडियस वाला सेंटर ओ के साथ एक स्फेयर बनाते हैं, है ना, कंसीडर करते हैं, वही हमारा गॉसियन सरफेस होगा जो उसको कवर कर रहा है चारों तरफ से। ओके ना, तो आगे बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। क्या माना हमने, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एट डिस्टेंस आर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ एज ए गॉसियन सरफेस। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट लिखोगे और वो स्टेटमेंट बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए, है ना। चलिए फिर इसके बाद जो आप स्टेटमेंट है ना नोट कर देना, ठीक है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जो डेरिवेशन देखते हैं। तो अब जो यहाँ पर वो स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे, सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे देन और फॉर्मूले से लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, है ना, उसका स्केलर फॉर्म जो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ओके चलिए तो यहाँ पर ठीक, या फिर उसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। चलो मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिख कर बताऊ तो फिर आप उसको, है ना, क्या लिखोगे, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच की वैल्यू है, सरफेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, है ना। तो इंटेंसिटी देखना बच्चों, पॉइंट चार्ज की क्यू इंटेंसिटी है ना इधर होगी, ओके ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, और एरिया सरफेस एरिया भी हमारा इसकी डायरेक्शन इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, है ना, कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो सरफेस इंटीग्रल कितना ही बचेगा यहाँ पर, ई डी एस। ओके, तो आप ये पूरा ऐसा लिख सकते हो या डायरेक्टली जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, अंडरस्टूड है वो, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो ओनली डायरेक्ट उसका वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं आगे में। तो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, क्यों यूनिफॉर्म है, मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है मैथमेटिकली जो हम निकालते हैं, तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज क्यू की वैल्यू भी नहीं चेंज हो रही है, डिस्टेंस भी सभी जगह सेम रहेगी, यहां सेम, तो ई यूनिफॉर्म रहेगा उस पर, तो इसलिए ई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, गॉसियन सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, फिर ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे मुझे वेयर, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल डी एस, ये क्या बता रहा हमको कि जो हमारा जो डी एस एक छोटे सरफेस का एरिया होगा, मतलब हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे छोटे से एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये छोटे एलिमेंट का एरिया है इंटीग्रेशन, मतलब पूरे सरफेस के एरिया, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, स्फेरिकल है, तो यहां हो जाएगा क्यों, फोर पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर वाला, आर रेडियस वाला सरफेस है वो स्क्वायर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये इट इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, इसको क्या लिखोगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। फिर फाई होगा हमारे पास ई इंटू, इसकी वैल्यू रख रहे हैं फोर पाई आर स्क्वायर, इसको दिया इक्वेशन नंबर वन, है ना, आया यहां तक जो वही की हमने फॉर्मूला लगाकर गॉसियन सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया यहां पर। अब गॉसियन सरफेस जो बाय गॉस थ्योरम इस फाई की वैल्यू क्या होगी, है ना, अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस, ऐसे समझ जाना, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं,
पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है ना, वर्ड में लिखा हो, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है ना, चार्ज इनसाइड द सरफेस, ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारे पास, पाई से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और चार्ज इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस है ना, शॉर्ट में लिखा है चार्ज इनसाइड द, फुल आप लिख देना गॉसियन सरफेस, अंडरस्टूड रखा, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो यहां लिख दिया हमने क्यू, ये इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों है ना सेम रहेगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बता रहे हैं सरफेस से लिंक, तो E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर है ना, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये बना। अब E का फॉर्मूला बना रहे यहां से, E का फॉर्मूला क्या आ गया, E आ गया हमारे पास वन अपॉन है ना, ट्रांसपोज कर दो, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ यूनिट न्यूटन पर कूलम है ना, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। प्रोसीजर ध्यान में रखना बस, यहाँ पर क्या क्या करते जाना है, तो ये रहेगा अपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग द गॉसियस थ्योरम, ओके, चलिए नोट कर दीजिए। चलिए है ना, अब हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। तो हमने इससे पहले जो कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा है, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों यूज होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमें बताता है। जैसे हमने कहा कि दो चार्जेस क्यू वन और क्यू टू हार्ड डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू होगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है, जो चार्जेस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब अगर हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, ध्यान देना कूलॉम्स लॉ के बेस पर, जो अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आएगी, है ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैंने इस चार्ज को कैपिटल क्यू बोल दिया और इसको स्मॉल क्यू बोल दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू, है ना, ठीक है। तो ये हमने देखा है कूलॉम्स लॉ के पार्ट। अब जो हमको यही वेरीफाई करना है कि अगर हम गॉसियस लॉ लगाकर, है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाते हैं निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू भी जो बिल्कुल गॉसियस थ्योरम के जैसे कूलॉम्स लॉ लगाने पर वैल्यू आती है, वैसे ही वैल्यू हमारे पास गॉस थ्योरम लगाने पर भी आनी चाहिए। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिस ऑफ गॉसियस थ्योरम, ठीक है। मतलब जैसा दो चार्जेस के बीच में फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो है ना, कूलॉम्स लॉ लगाने पर जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू हमको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है ना भी मिलनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ इस गॉसियस थ्योरम से कौन वेरीफाई हो गया, कूलॉम्स लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, ओके, समझ में आया। चलिए बच्चों, तो जैसे मान लो बच्चों हमने कहा हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है ना, लेट देयर आर टू चार्जेस, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड अनदर चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ओ। मतलब दूसरा जो चार्ज है तो वो पॉइंट पी पर रखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगाए इन पर, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इतना आएगा इनके बीच में, है ना। अब हम यही फोर्स किसके थ्रू निकालेंगे, गॉसियस थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना। मतलब आप देखो जो, चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम बाद में वेरीफाई कर सके, ये फोर्स मतलब कूलॉम्स लॉ हमने लगाया, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ रहा है, ये इतना। अब हम यहाँ पर गॉसियस थ्योरम लगाकर इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो जो, अब गॉसियस थ्योरम के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मतलब गॉसियस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं बस। तो ध्यान देना, हम यहाँ पर पहले जो
गॉसेस लॉ लगाकर किसकी वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। हमको मालूम है कि जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे निकालेंगे, गॉस लॉ से। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ से। अब हमको दूसरी बात भी पता है जो कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाला फोर्स इतना होता है। दो बातें ध्यान में है हमको कि गॉसेस, कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम दूसरे चार्ज को रख देते हैं, जैसे क्यू चार्ज को रख देते हैं, तो वो क्यू चार्ज वहां पर कितना फोर्स, उस पर कितना फोर्स लगने लगेगा, क्यू इंटू ई, जहां ई होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम गॉस लॉ से क्या करेंगे, है ना। हमें गॉस लॉ से पहले निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के बाद हम चार्ज पर फोर्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो अगर हम इस फॉर्मूले से फोर्स निकालते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास कूलम्स लॉ लगाने पर आई थी वही वैल्यू इससे भी आनी चाहिए, मतलब हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे हमारे गॉसेस लॉ से हमने किसको ऑब्टेन कर दिया, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई कर दिया, है ना। ठीक है, तो बस यहां पर ध्यान दो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो गॉसेस थ्योरम के थ्रू हमको कूलम्स लॉ को वेरीफाई करना है, उसको ड्राइव करना है। ओके, मतलब जो कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम्स ने जो फॉर्मूला दिया है, जो वो फॉर्मूला हम गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, ये मीनिंग है हमारा। तो देखो जो सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। क्या समझ में आया हमारे पास, हमको कंडीशन क्या दी हुई है, ये कंडीशन हमको दी है कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट ओ पर रखा है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज क्यू है, इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम लगानी है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या ड्रॉ कर लेंगे, स्फेरिकल सरफेस, इसे गॉसियन सरफेस। तो हमने यहाँ आर रेडियस वाला एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि गॉसियन सरफेस होगा। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, गॉस थ्योरम लगाकर, ये सब मेथड लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर फोर्स की वैल्यू लगा निकाल देंगे ये फॉर्मूला लगाकर। ओके, तो इसका मतलब हमको सबसे पहले गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट चार्ज क्यू का। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पर, मतलब जहां पर पॉइंट चार्ज लगा है वहीं पर हमें पहले इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो हमने जो अभी ये पहले वाले में इंटेंसिटी निकाली ही है, ओके, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया, मतलब हमारा आधा डेरिवेशन इसमें से यूज हो जाएगा पॉइंट चार्ज वाले में से, है ना। चलिए बेटो, तो हमने क्या माना है उसको अब हम समझ ले, फिर आगे हम डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने माना है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट पॉइंट ओ, एंड वी अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस एट पॉइंट आर और एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एज अ गॉसियन सरफेस। ये हमने हमारी स्टेटमेंट आएगी बेटो, और ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दी है, मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए स्टेटमेंट लिख दी है। ओके, तो आप इसको चाहे जो नोट करना चाह रहे हो तो यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद उसको, है ना, देखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया जो हमारे पास, है ना, वही बात जो हमने लिखी है जो वहां पर मैंने आपको वर्ड में समझाया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमको सेम प्रोसीजर लगानी है, गॉस थ्योरम लगाकर पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द गॉसियन सरफेस, ये इस तरह से आ जाएगा, है ना, मतलब इंटेंसिटी निकालने तक हमारी पूरी प्रोसीजर सेम रहेगी। ओके, अब हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, अब हमें पता है कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, नौ, ठीक है ना, फोर्स। अब आगे बढ़ा रहे हैं, इतना कॉमन रहेगा इसलिए हमने इसको अब नहीं किया था, अब आगे यहां से बढ़ा रहे, नौ फोर्स ऑन पॉइंट क्यू, है ना, ये फोर्स ऑन अनदर पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ई के थ्रू उस पर लगने वाला फोर्स बच होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाला फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, जहां क्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, उस चार्ज की वैल्यू जिस पर हमें फोर्स निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्यू है, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, एफ क्यू, ई की वैल्यू यहां से रख दो, ई ये है ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इसके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके लिख दो क्यू का दोनों चार्जेस का, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q by Q upon R square, ओके, ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू, है ना। तो अगर हम यहाँ कूलॉम्स लॉ लगाते तो भी हमारे पास फोर्स वही आ रहा था, और हमने बिना कूलॉम्स लॉ लगाए, है ना, गॉस से हम लगाकर फोर्स निकाला, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला फिर फोर्स निकाला, तो भी वैल्यू वही आ रही। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने ये ड्राइव कर दिया कूलॉम्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ गॉस सिस्टम, ठीक है। तो चलिए, तो ये था जो हमारे पास उसका सेकंड एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स इनवर्सेस के लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इस, है ना, गॉस सिस्टम। और ध्यान रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, जो आज हमने एप्लीकेशन पढ़ी है ना, दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब गॉस थ्योरम जो है उस पर हमारा, है ना, ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है बोर्ड एग्जाम में, एक तो स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम लिखिए और उसके प्रूफ कीजिए, और सेकंड जो है ना, स्टेट द गॉस थ्योरम एंड ड्राइव द कूलॉम्स इनवर्सेस के लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इट, मतलब ज्यादातर जो ये एप्लीकेशन पूछी जाती है, एक तो पॉइंट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गॉस थ्योरम के बेस पर, या कूलॉम्स इनवर्सेस के लॉ को प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम, तो दोनों ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो चलिए, है ना, ये हो गया जो हमारे पास उसका सेकंड एप्लीकेशन, फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए।